तो डाइशियस और जो डाइशियस यहाँ पर टर्म है इसका मतलब क्या है तो यहाँ पर है जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं या मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे हैविंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वन इंडिविजुअल और उसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो दूसरे इंडिविजुअल के अंदर होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इन अनदर इंडिविजुअल तो ऐसे हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डाइशियस होंगे मोनशियस मतलब वो ऑर्गेनिज्म होगा जहां पर दोनों ही फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो पाइनस की बात करें पाइनस के अंदर क्या होगा जो मेल और फीमेल कौन से मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेम ट्री मतलब एक ही इंडिविजुअल पर प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारा एग्जाम्पल है मोनोशियस का डाइशियस का एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर डायशियस के लिए क्या देखा था हमने कि अलग अलग इंडिविजुअल पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रिपोर्डक्टिव प्रेजेंट होंगे बट पाइनस के अंदर ऐसा नहीं होता है साइकस की बात करें तो साइकस भी हमारा जिम्नोस्पर्म्स का एग्जांपल है दोनों ही ये जिम्नोस्पर्म हमारे बट साइकस के अंदर जो मेल और फीमेल कॉन्स होते हैं वो कहां पर होते हैं ऑन डिफरेंट ट्रीज तो अलग अलग इंडिविजुअल पर प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारा एग्जाम्पल है डायशियस का साइकस हमारा डाइशियस है तो ये हमारा बिल्कुल सही मैच है थर्ड दिया गया साल्विनिया साल्विनिया हमारा टेरिडोफाइट्स के अंदर आएगा जो कि हिट्रोस्पोरस है हिट्रोस्पोरस मतलब अलग अलग यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एक मेगा स्पोर एक माइक्रोस्पोर डिफरेंट काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होंगे होमोस्पोरस मतलब सेम काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एग्जाम्पल यहाँ पर इक्विसेटम है तो ये भी सही है जो इनकरेक्ट मैच है वो है सॉरी जो इनकरेक्ट मैच है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर